हे गाइस, आप में से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर जो BSS TET जो एग्जामिनेशन होगा, जो स्पेशल एजुकेशन वाला जो एग्जामिनेशन होगा सर, उसका सिलेबस क्या रहेगा और कैसे क्वेश्चंस उससे आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि जो BSS TET वाला जो सिलेबस है उसे दो भागों में बांट लीजिए। पहला भाग दोस्तों याद रखिएगा, ये पहला भाग जो रहेगा इसमें आप लोगों को जो CTET वाले कॉमन टॉपिक्स जो होते हैं, चाहे CDP, EVS, हर एक सब्जेक्ट के वो कॉमन टॉपिक्स जो रहेंगे वो देखने को मिलेंगे। और ये करीब 25 मार्क्स के आपको ऐसे क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल हूबहू CTET से मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन जो ये 5 मार्क्स होंगे बेटा, या आप लोगों के लिए जो स्पेशल एजुकेशन वाले टॉपिक रहेंगे, जो भी स्पेशल एजुकेशन वाले यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्पेशल एजुकेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर करके जाएं, बिकॉज वो हर एक टॉपिक में 5 मार्क्स के आ रहे होंगे और कम से कम 25 मार्क के पूरे पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी कोर्स नहीं मिल रहा है तो कोर्स का भी प्रबंध है, आप कॉल कर सकते हैं 9113782617, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा रहेगा कि आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे हाई BSS TET करके आप कर देंगे मैसेज, तो आपको लिंक भी मिल जाएगा जिससे आप कोर्स ले सकते हैं। साथ ही मैं बात करूँ दोस्तों कि इसकी तैयारी कैसे करें सर, कौन सी बुक्स पढ़ें, तो देखो यार, बुक्स में आप लोगों को एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है, NCERT की ही बुक्स इसमें काम में आएंगी। कोई SCERT किताब नहीं पढ़नी है, कोई बाहर की किताब नहीं पढ़नी है आपको, जो NCERT की जो आपकी मेन बुक्स हैं वही आपके काम आ रही होंगी। तो कुल मिलाकर मैंने आप लोगों को बता दिया इसकी तैयारी करने के लिए कितना टाइम दें, करीब 3 घंटे हर दिन आपके लिए काफ़ी रहेंगे। 3 घंटे की तैयारी अगर आप लोग करते हैं हर दिन तो वो काफ़ी रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।